गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है, आप सोच रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग रात को हो रहा है क्योंकि पीछे आपको खिड़की के बाहर आपको अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, तो दिमाग में बात आ रही होगी सर बोल जरूर रहे हैं मॉर्निंग मोटिवेशन पर, रिकॉर्ड रात को कर रहे हैं। ऐसा नहीं है बॉस, ठीक है, हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने वाले लोगों में से एक है। इस समय जो है वो जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तब आप देख सकते हो मेरी वॉच में कैसे दिख रहा है, 5:40 हो रहा है मॉर्निंग का। और चूंकि मुझे जो है वो मैंने आपको बताया था कल कि मैंने जो है वो एक जिम ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जिम ज्वाइन किया तो अगले दिन मैं नेक्स्ट डे से मैं सलमान खान या ऋतिक रोशन दिखने लगूंगा, है ना, तो वो टाइम लगता सब चीजों में और मुझे बनना भी नहीं वैसा, तो मुझे जिम जाना पड़ेगा अर्ली मॉर्निंग, तो 6:45 वहां पहुंचना होता है, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग ये पहले कर रहा हूं इसको, तो मैं जल्दी उठ गया हूं। पहले मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं उसके बाद फिर जो है अपना काम करते हैं, ना, ठीक है, इसलिए आपको ये पीछे अंधेरा दिखाई पड़ रहा है और सबूत के तौर पर मैंने आपको दिखाया, अपनी वॉच को दिखाया कि कितना बज रहा है। खैर, आज हम एक बड़ी अच्छी मैंने कल एक किताब में पढ़ रहा था, यू कैन इफ यू थिंक यू कैन बाय नॉर्मन विंसेंट पील की बुक है, हिंदी में इसका टाइटल है बुलंद इरादे निश्चित कामयाबी। बहुत अच्छी किताब है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है ये। इसमें एक बड़ा अच्छा पैराग्राफ मुझे लगा, मैंने कहा आपसे जरूर मैं डिस्कस करूंगा इस पैराग्राफ को। महान आविष्कारक चार्ल्स एफ कैटरिंग ने एक बार कहा था, अतीत में मेरी कोई रुचि नहीं है, मतलब पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी रुचि सिर्फ भविष्य में है, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ फ्यूचर में है, क्योंकि वहीं पर मैं अपनी बाकी जिंदगी बिताने की उम्मीद करता हूं। कितनी अच्छी बात है, वो कहते हैं कि पहले जो हुआ सो हुआ, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो निकल गया वो निकल गया, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ जो है वो फ्यूचर में है क्योंकि मैं वहां पर अपना समय बिताने वाला हूं, वहां मैं पहुंचने वाला हूं, ठीक है। याद रखें, जिस भविष्य में आप अपनी बाकी जिंदगी बिताने वाले हैं वह आपके नजरिए से तय होता है, आपको इसके लिए जिन संसाधनों की जरूरत है वे सब आपके मस्तिष्क में मौजूद हैं। संकट सबके जीवन में आते हैं और निश्चित रूप से उनके कारण आपका समय बहुत मुश्किल गुजरेगा, किसका नहीं गुजरता है, लेकिन जब आप इस विचार को विकसित कर लेते हैं कि हर विपत्ति लाभकारी हो सकती है तो आपके पास प्रचुर मानसिक संपदा होगी। इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करें कि आपका भविष्य परिस्थितियों द्वारा तय नहीं होता, जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है, आपका भविष्य तो सही मानसिक नजरिए से तय होता है जिस पर आपका नियंत्रण होता है, इस तरह आप अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि दरअसल क्या होता है कि हमारे आसपास की जो सराउंडिंग से जो परिस्थितियां हैं उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम उन सारे फैक्टर्स को एक साथ कैसे इन्फ्लुएंस कर दें, लेकिन हम अपनी मेंटल कंडीशन को हम जो है जरूर सेट कर सकते हैं, मतलब वहां पर हम एक मानसिक ट्यूनिंग कर सकते हैं कि प्रेजेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग मुझे क्या बेस्ट पॉसिबल उपाय खोजने हैं। मुझे मतलब ये है कि आप रास्ता निकालते हैं, आप रास्ता खोजते हैं ताकि आप उन परिस्थितियों के बावजूद जो है सफलता को पा सकें, आप जो अचीव करना चाहते हैं उसको आप अचीव कर सकें। इसी बुक में नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि एक बार वो कहीं किसी सेमिनार में गए थे तो वहां पे एक लड़का मिला उन्हें, उस लड़के ने बोला कि वो दुनिया भर की सैर करना चाहता है, वो चाहता है कि वो यूरोप में और कई अलग अलग जगह पर जाए घूमे, वो एशिया भी जाए घूमने के लिए, वो लेकिन कैसे ऐसा कर सकता हूं मैं, तो नॉर्मन विंसेंट पील ने उससे एक ही सवाल पूछा, तुम सबसे पहले किस जगह जाना चाहोगे और वहां पर तुम क्या देखना चाहोगे, उसके बाद तुम्हारी अगली जगह क्या होगी, वहां तुम कहां रुकोगे, क्या देखना चाहोगे। वो लड़का थोड़ा कुछ सेकंड रुका, वो सोचता रहा वो कि मैं कहां जाऊं, मैं पहले यूरोप जाऊंगा कि पहले एशिया जाऊंगा, वहां पर मैं दिल्ली पहले जाऊंगा कि बीजिंग पहले जाऊंगा, कहां जाऊंगा मैं। उसने कुछ सेकंड का वक्त लिया सोचने में, फिर उसने एक मैनिपुलेटिव सा आंसर दिया, तो नॉर्मन विंसेंट पील ने उससे कहा कि देखो, जिस चीज को तुम अचीव करना चाहते हो ना, वो तुम्हारे रिफ्लेक्स के अंदर होना चाहिए कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कहां पहुंचना है। जब तुमको यही नहीं पता है कि तुम किस देश से शुरुआत करोगे, कहां तुम जाना चाहते हो, कोई तुमने कोई दिमाग में कोई प्लान तैयार नहीं किया, कोई खाका तैयार नहीं किया तुमने उसका, तो इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ पूरी कल्पना है और उसको उसके साकार ना होने पर आप दुख करोगे फिर कि वो तो अचीव ही नहीं हुआ। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, यदि तुम मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आप बोलेंगे कि क्या कर रहे हो,
IIT की तैयारी कर रहे हो तो आपसे पूछेंगे क्या कर रहे हो, तो आपने बोला कि मैं IIT के लिए पढ़ा। अरे IIT में इतने आसान सिलेक्शन थोड़ी ना होता है, IIT वाले तो बच्चे होते ही अलग है, दिमाग का लेवल ही उनका अलग होता है। नीट मेडिकल बहुत टफ है भाई, बहुत साल तक करना पड़ता है, नीट वीट कहाँ निकलता है, प्राइवेट कॉलेज तो कितनी फीस और कितने डॉक्टर बन रहे। तो ऐसी ऐसी नेगेटिव बातें लोग बोलेंगे आपसे, क्योंकि देखो आप देखना कभी ये जो नेगेटिव बातें जो लोग बोलेंगे ना, वो लोग जनरली उस चीज को बिलोंग नहीं करते होंगे, वो सिर्फ एक ओपिनियन लेकर चल रहे हैं, वो ओपिनियन भी उन्होंने कुछ फ्रेम नहीं किया, सुन 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 के फ्रेम हो गया ओपिनियन वो, और वो एक प्रकार से वो परकुलेट होता हुआ आप तक पहुंचेगा, और जब आप तक पहुंचेगा तो आप दुखी हो जाओगे उसको लेके, आपको लगेगा कि यार यार ऐसा कैसे बोल सकता है कोई आदमी, हमारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। तो आप मुंह आप या तो बताने से छिपोगे, आप बताओगे ही नहीं किसी को कि मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, आप किसी को बताओगे नहीं, या छिप जाओगे आप, सामने ही नहीं आओगे आप। मैं कहता हूं कि हम कितना पढ़ते हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, बताना कोई बहुत जरूरी नहीं है चीज, भविष्य के लिए कुछ कर रहे हैं, करेंगे कुछ करेंगे, मेहनत कर रहे हैं, हम एक गोलमाल सा आंसर दे सकते हैं, लेकिन हमें हमें पता होना चाहिए कि इस बंदे को हमें आंसर करना है अपने काम से, कि हम जब सिलेक्ट हो जाएंगे, जब हम जो कॉलेज में पहुंचेंगे तब हम आंसर करेंगे, तब इनको फोन करा के इनसे हम बोलेंगे कि आइए आपको हम पार्टी देते हैं, चलिए चलिए आइए आपको मिठाई खिलाते हैं, या इनके घर मिठाई लेकर जाएंगे। तो याद रखिए क्या होता है जिंदगी में है ना, हर बार मुंह से आंसर नहीं दिया जाते, हर बार उत्तर देने के लिए बोलना जरूरी नहीं है, उत्तर देने के लिए करना जरूरी है, करिए धीमे करिए पर करिए। कहते हैं ना यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो लुढ़किए, लुढ़क नहीं सकते थोड़ा खिसकिए, आगे तो बढ़ोगे ना। तो कहने का मतलब यह है कि आपको सिर्फ अब बहुत सारे लोग अपने पास्ट से गर्ज पाल के बैठे थे कि मेरे साथ ऐसा हो गया सर, मेरा ये हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया ना, मेरा ये हो गया, मैं बहुत दुखी हूं, मैं परेशान हूं और मैं क्या करूं। तो अरे यार जो निकल गया सो निकल गया, अब तुम्हारे पास जो फ्यूचर है उसका सोचो ना, तो वो तो पास्ट था, वो तो तुम उसको रिवाइंड भी नहीं कर, पीछे जा नहीं सकते, पीछे से कुछ ठीक करने के लिए थे। अब तुम्हारे हाथ में जो उसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए, तो याद रखो मेरे साथ, ठीक है। तो जहां हम जीने वाले हैं वो जगह है भविष्य, और भविष्य की तैयारी हमें आज से करनी होती है, समझ गए बात, ठीक हो। चलो कल मिलते हैं फिर, कल फिर बात करेंगे हम, और कल मैं आपको अच्छी सी कहानी सुनाऊंगा, तो मिलते हैं कल हम, बाय बाय।